आइए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इनटू ax प्लस b इनटू f ax प्लस b टू द पावर n dx। इसमें अगर सबसे पहले हम लोग अगर f ax प्लस b को अगर t मान लेते हैं तो इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं f' हो जाता है, f' क्या हो जाएगा ax प्लस b और साथ में ax प्लस b आएगा तो एक यहां पे क्या हो जाएगा a आ जाएगा, एक ax का a हो जाएगा चैनल से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा f' ax, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f' ax प्लस b dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ये a जो है था ये जो मल्टीप्लाई में था ये यहां पे आ जाएगा डिवाइड में dt / a। तो f' a x प्लस b dx का क्या आ गया dt / a, इसको हम लोग 1 / a और यहां पे वो क्या dt। ठीक है और इसको हम लोग t मान लेते हैं t टू द पावर n, तो इसको हम लोग ले सकते हैं या इतना को हम लोग t माने हैं तो ये हो गया t टू द पावर n, t टू द पावर n और f' ax प्लस b dx का हम लोग dt / a 1 / a हो गया और ये dt। अब ये x के पावर n पे आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 / a t टू द पावर n प्लस 1 / n प्लस 1 प्लस c, t का वैल्यू क्या है f ax प्लस b तो पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 / a, ये हो जाएगा f ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए।